दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एमएस धोनी को भारतीय टीम का कोच बनाने के लिए इंग्लैंड के दिग्गजों ने भी कर दी अनोखी मांग। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में मिली हार के बाद एमएस धोनी को भारतीय टीम का कोच बनाने के लिए इंग्लैंड के दिग्गजों ने बयानबाजी शुरू कर दी है। इंग्लैंड के दिग्गजों ने धोनी की तारीफ करते हुए उन्हें टीम का कोच बनाने के लिए एक ऐसा बयान जारी किया है जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार एमएस धोनी को कोच बनाने को लेकर इंग्लैंड के दिग्गजों ने क्या बयान दिया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में कौन बेहतरीन कप्तान है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम पिछले 10 सालों से आईसीसी ट्रॉफी के लिए तरस रही है। वहीं रविवार 11 जून को उसका ये सपना सपना ही रह गया। भारत को डब्ल्यूटीसी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 209 रनों से शिकस्त मिली। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारने के बाद सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस एमएस धोनी की कप्तानी का जिक्र कर रहे हैं। आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम के लिए बेहतरीन कप्तानी करते हुए तीनों आईसीसी टूर्नामेंट भारत को दिलाए थे, जहां पर 2007 का टी20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी शामिल हुई है। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी की बेहतरीन कप्तानी को देखकर अब उन्हें कोच बनाने की मांग तेज हो चुकी है। तो वहीं धोनी को कोच बनाने के लिए इंग्लैंड के दिग्गजों ने सनसनीखेज बयान दिया, जिनमें नासिर हुसैन ने बयान देते हुए कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को तो हार मिलनी ही थी, जो मिली भी है, क्योंकि भारतीय टीम ने काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन फाइनल मुकाबले में किया और खराब रणनीति के साथ मैदान पर उतरी थी। ऐसे में फाइनल मुकाबले में शर्मनाक हार के असली जिम्मेदार भारतीय टीम के खिलाड़ी नहीं बल्कि भारतीय टीम मैनेजमेंट है। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि भारतीय टीम मैनेजमेंट की तरफ से कोच राहुल द्रविड़ ने रविचंद्रन अश्विन को न खिलाकर बड़ी गलती की है और ऐसे में उनके ऊपर सवाल तो खड़े होने चाहिए, क्योंकि अश्विन नंबर 1 गेंदबाज है। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि धोनी को नया कोच बनाया जाए। तो वहीं केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में मिली हार के बाद अब भारतीय टीम पर सवाल खड़े होने चाहिए, क्योंकि 10 सालों से भारतीय टीम सीरीज में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन टूर्नामेंट के अंदर भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन देखने को मिलता है। ऐसे में भारतीय टीम को बड़े बदलाव करने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि भारतीय टीम की तरफ से राहुल द्रविड़ को कोच की भूमिका से मुक्त कर देना चाहिए और उनकी जगह पर अलग रणनीति वाले खिलाड़ी धोनी को कोच बना देना चाहिए। तो वहीं माइकल वो ने बयान देते हुए कहा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना भारतीय टीम की खराब रणनीति के अनुसार करना पड़ा था, जहां पर भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने काफी खराब रणनीति बनाकर फाइनल मुकाबले में टीम को उतारा था। ऐसे में राहुल द्रविड़ को अब टीम से बाहर कर देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि राहुल द्रविड़ का बचाव करने का अंदाज भारतीय टीम को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में अटैकिंग सोच वाले खिलाड़ी एमएस धोनी को टीम का नया कोच बना देना चाहिए, जिससे भारतीय टीम पूरी तरीके से बदल जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, एमएस धोनी को भारतीय टीम का कोच बना दिया जाए या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।